देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा लग रही है कटहल की सब्जी। इस तरीके की सब्जी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप कितना खूबसूरती लग रही है ना। इस तरीके की सब्जी बनाने के लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके नहीं मत देखिएगा वरना पता नहीं चलती है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर पसंद आए तो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे सबसे पहले आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इस रेसिपी को आप इंजॉय कीजिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कटहल की सब्जी, जिसके लिए लिया है मैंने 3 बड़े चम्मच तेल। तो गर्म हो चुकी है तेल, इसे मैं ले रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब जीरा। इसमें मैं ले रही हूँ कटहल को, तो कटहल मार्केट का छिला हुआ कटा हुआ लिया था हम लोगों ने। इसमें का जो आगे का हिस्सा रहता है उसको काटना पड़ती है, पकता नहीं है। और इसमें का जो बीज रहता है उसके भी छिलके उतार लें, खाने में अच्छा नहीं लगता है उसके छिलका। तो उसे आप 2-3 मिनट के लिए ढक के फ्राई कर लेती हूँ मैं। ढक दिया है तो कटहल में मसाला डालने के लिए लिया है मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज है और 1 इंच के लगभग अदरक है और कुछ लहसुन जिसे मैं पीस लूँगी। अगर आपके पास मिक्सी जार है तो मिक्सी जार में से अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। देख सकते हैं कटहल कितने अच्छे से पूरी फ्राई हो चुकी है और ये फ्रेश करके देखते हैं ये पक भी चुकी है। मसाला तैयार करते हुए इसे मैं 2-2 मिनट में चेक करके अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे इंडक्शन पे बना रही हूँ मैं सब्जी, मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई की हूँ। देखते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुकी, हमें इतना ही इसे फ्राई करना है। और देख सकते हैं कटहल पूरी तरीके से पक चुकी है, तो कटहल पूरी तरीके से पूरी फ्राई हो चुकी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसे अब मैं निकाल ले रही हूँ, निकाल के दिखाती हूँ मैं। बिल्कुल भी टाइम चाय ना करती, तो सारे कटहल मैंने निकाल लिया देख सकते हैं। और जो अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट भी मैंने बना लिया है और मैंने लिया है 2 टमाटर। कटहल हमें मसाले वाला बनाना है तो ज़्यादा टमाटर के नहीं लगती है, इसे मैंने अभी काटा नहीं, इसे मैं काट लूँगी। तो 2 चम्मच मैंने और तेल लिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने छोटा सा तेज़पत्ता, 1-1.5 इंच की दालचीनी और दड़हल का फूल लिया है। मैं सब कुछ इसमें डाल देती हूँ, तेल गर्म हो चुकी है इसे मैं डाल दे रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज तीनों का है, मैंने 3 लौंग लिया है, लौंग जरूर डालें बदहजी दूर करती है और खाना जल्दी से नहीं पकता उसको पकाती है। तेज पत्ता मेरे पास छोटा ही सब बचा है, लास्ट आ गया तो मैं छोटा सा ही डाला, आप इसमें बड़ा वाला डाल सकते हैं। इसे दो मिनट फ्राई करना है, 1-2 मिनट हो चुकी है प्याज, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कटे हुए टमाटर। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब नमक, आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से इसे फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। देख सकते हैं फ्रेंड से टमाटर अच्छे से गल चुकी है, इसे मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच के करीब मिर्च, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ज़्यादा कर सकते तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, ये घर का हल्दी हमारा ज़्यादा लगती है, आप तो हल्दी कितना लगती है आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। मार्केट में मिलने वाला थोड़ा कम लगता है, घर का पीता हुआ है तो ये ज़्यादा अच्छे से लगती है।
और एक चम्मच में डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला, हल्का से इसमें सारे पानी, देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आई है। इसमें डाल रही हूँ मैं एक चम्मच के करीब धनिया पाउडर, अब मसाला से अच्छे से चटनी कर लेते हैं, इसे फ्राई करना है। देख सकते हैं साइड साइड से तेल रिलीज होना स्टार्ट हो चुकी है, तो इसमें हम डालते हैं कटहल और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो देख सकते हैं अच्छे से मैंने मिला लिया, कितना प्यारा लुक आ रही है ना फ्रेंड। इसे 3 से 4 मिनट के लिए और उसके डालने के बाद इसे ढक के अच्छे से पका लेंगे, तब तक मसाला अच्छे से और पक जाएगी। इसे ढक ढक के मैं अच्छे से और 3 से 4 मिनट के लिए और इसे पका चुकी हूँ। देख सकते हैं कटहल तो पहले से ही पक चुकी थी और ज़्यादा से पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। देख सकते हैं कितना डिलीशियस लग रही है ना, बहुत ही प्यारा।